अपनी लाजवाब अदायगी और धाकड़ फिल्मों की बदौलत बॉलीवुड की क्वीन कहलाने वाली कंगना रनौत ने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह और अलग पहचान बनाई है। कंगना बॉलीवुड की इकलौती अभिनेत्री हैं जो किसी बॉलीवुड खान के साथ काम नहीं करना चाहती हैं। कंगना कहती हैं कि वो फिल्में अपने दम पर हिट कर सकती हैं और उन्हें किसी खान की कोई जरूरत नहीं है। कंगना बॉलीवुड की इकलौती ऐसी अभिनेत्री बनकर उभरी हैं जो खुद अपने दम पर 100 करोड़ी फिल्में देती हैं। 23 मार्च 1987 को कंगना का जन्म हिमाचल के मंडी जिले के सूरजपुर में एक राजपूत खानदान में हुआ था। कंगना की एक छोटी बहन रंगोली और छोटा भाई अक्षत भी है। कंगना के पिता एक बिजनेसमैन और उनकी माता एक स्कूल टीचर हैं। कंगना के पिता चाहते थे कि कंगना एक डॉक्टर बने, लेकिन कंगना 12वीं में फेल हो गई। फेल होने की वजह से घर में काफी झगड़ा हुआ और कंगना अपना घर छोड़कर दिल्ली आ गई। दिल्ली आकर कंगना ने फैसला लिया कि वो एक अभिनेत्री बनेंगी, लेकिन ना तो कंगना के पास रहने के लिए कोई घर था और ना ही उनके पास ज्यादा पैसे थे। जैसे तैसे कंगना मुंबई गई और मुंबई में उन्होंने 4 महीने का एक्टिंग कोर्स किया। फिर शुरू हुआ कंगना के क्वीन बनने का सफर। कंगना की पहली फिल्म थी गैंगस्टर। इस फिल्म के लिए ही कंगना को बेस्ट फीमेल डेब्यू का ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड भी मिला था। आपको बता दें कि फिल्म गैंगस्टर साल 2006 में रिलीज हुई थी। अपने अभी तक के फिल्मी करियर में कंगना अब तक 35 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। फिल्म क्वीन और तनु वेड्स मनु में कंगना के अभिनय को काफी सराहा गया। अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत कंगना ने 3 बार नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया है। कंगना को पहला नेशनल अवार्ड जब मिला उस वक्त उनकी उम्र महज 22 साल थी। कंगना को ये नेशनल अवार्ड फिल्म फैशन के लिए मिला था। बॉलीवुड में कंगना अपने बगावती तेवरों के लिए भी मशहूर हैं। कंगना बिना झिझके किसी भी बड़े स्टार के बारे में खुलकर कुछ भी बोल देती हैं। यही वजह है कि बॉलीवुड के ज्यादातर स्टार्स कंगना से खफा रहते हैं। अपने 12 साल के फिल्मी करियर में कंगना के ज्यादातर दुश्मन ही रहे हैं, जिनमें ऋतिक रोशन, अध्ययन सुमन, करण जौहर, आदित्य पांचोली, अपूर्व असरानी और उनकी पिछली फिल्म मणिकर्णिका के डायरेक्टर क्रिश शामिल हैं। स्पेशल डेस्क, खबर चौराहा।